चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन को। तो जैसे कि आप सबको पता है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट? तो यहां पे मैं टाइप भी कर देता हूं। पाइथन क्या है, सब लोग क्या समझते हैं पाइथन को? तो पाइथन है क्या? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? और अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप और आगे निकले तो लोग पाइथन को क्या बोलते हैं? Python is general purpose higher level language, यही बोलते हैं Python को लोग। क्या बोलते हैं लोग Python को? Python एक general purpose और high level language है। क्या है? High level language, right? तो ये जो तीन वर्ड मैंने आपके सामने लिखे हैं, एक Python को लोग क्या बोलते हैं? Programming language, और आगे निकल के क्या बोलते हैं? जनरल पर्पस हाई लेवल लैंग्वेज। ये तीनों वर्ड को हम लोग समझेंगे डायग्राम के फॉर्मेट में, राइट? तो चलो डायग्राम के फॉर्मेट में हम लोग इसको समझते हैं। ये एक इंसान है और ये एक इंसान है, ठीक है? इंसान का थोड़ा सा फोटो इमेज अच्छे से बना लेते हैं हम लोग यहां पर। इतना चलेगा, चलो। ये दो इंसान है, ठीक है? और ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर ले लें या फिर आप मोबाइल डिवाइस ले लें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप ले लें, ठीक है? चल, अब अगर हम बात ये करते हैं कि ये दो इंसान, इंसान नंबर वन और इंसान नंबर टू, अगर ये दो इंसान आपस में बात करना चाहते हैं तो इनको क्या रिक्वायरमेंट है, बेसिक क्या चाहिए? ये दो इंसान अगर आपस में बात करना चाहते हैं तो ये दोनों इंसान के पास लैंग्वेज होनी चाहिए, चाहे वो लैंग्वेज हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे मराठी हो, चाहे चाइनीज हो, चाहे जापानी हो, राइट? हाँ, अगर ये हिंदी में बात करना चाहते हैं तो दोनों को हिंदी आनी चाहिए। अगर ये चाइनीज में बात करना चाहते हैं तो दोनों को चाइनीज आनी चाहिए। अगर ये दोनों इंग्लिश में बात करना चाहते हैं दोनों को इंग्लिश आनी चाहिए, राइट? लेकिन यहां पर एक स्टेप अगर और आगे हम लोग निकले तो लैंग्वेज के साथ साथ उस लैंग्वेज के अंदर बने हुए शब्द भी इन्हें पता होना चाहिए, क्योंकि आपस में ये लैंग्वेज का इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उस लैंग्वेज के शब्द के थ्रू ये लोग आपस में बात करते हैं, जो वर्ड होते हैं, है ना? तो चलो हम लोग मान लेते हैं कि ये दोनों बात करना चाहते हैं इंग्लिश में, राइट? तो इंग्लिश लैंग्वेज कैसे बनी है? आप बोल सकते हैं ABCD, चलो। तो पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज इतने ABCD 26 कैरेक्टर में ही बनी है। इसी 26 कैरेक्टर में इंग्लिश के सारे शब्द बनाए गए हैं, राइट? और जब हम लोग बात करते हैं आपस में तो उन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में बात करना चाहते हैं तो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो उस इंग्लिश के वर्ड भी इनके पास होना चाहिए, ठीक है? चलो मान लीजिए दोनों के पास वर्ड है, दोनों को इंग्लिश आती है, दोनों आपस में बात कर लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें, ये इंसान अगर ये कंप्यूटर से बात करना चाहते हैं तो अब कैसे करेंगे? सिंपल, आप बोलेंगे कि ठीक है, काम करते हैं, कंप्यूटर को भी इंग्लिश सिखा देते, और आप तो ये सोच रहे हो कंप्यूटर को इंग्लिश आती ही है तो ये दोनों बात कर लेंगे, इसे बस इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ऐसी कुछ सोच रहे होंगे कई लोग। तो मैं आपको बता दूं, कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती, कंप्यूटर को हिंदी नहीं आती, कंप्यूटर को चाइनीज नहीं आती, कंप्यूटर को जापानीज नहीं आती, कंप्यूटर को मराठी नहीं आता। कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज जानता है, 01 लैंग्वेज बस। तो आप लोग सोच रहे होंगे ठीक है भाई, कंप्यूटर को सिखा देंगे, कंप्यूटर ये सब कुछ नहीं सीख सकता। कंप्यूटर सिर्फ 01 लैंग्वेज को जानता है और कोई लैंग्वेज वो नहीं जानता,
अब कैसे बात करेगा भाई ये इंसान कंप्यूटर से? सिंपल है भाई, भगवान ने इंसान को इतना दिमाग दिया है कि कुछ भी सीख सकता है। तो कहा गया ये इंसान को बोल दो कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वो लैंग्वेज सीख ले, उस लैंग्वेज के शब्द सीख ले। तो ठीक है, ये इंसान ने उस लैंग्वेज को भी सीख लिया जो कंप्यूटर को समझ में आती है 01, और उस 01 के सारे वर्ड भी सीख लिया जिससे वो कंप्यूटर से बात करता है। चलो मान लेते हैं कि ये इंसान को 01 लैंग्वेज आ गई, अब ये कंप्यूटर से बात कर रहा है। कैसे बात करेगा ये समझो। तो मान लो अगर ये इंसान कंप्यूटर से बात करना चाहता है और अगर कंप्यूटर को बोलना चाहता है ए, क्या कंप्यूटर को ए बोलना चाहता है, तो ये ए नहीं बोलेगा, ये कंप्यूटर को ए बोलेगा कैसे? कंप्यूटर की भाषा में। और कंप्यूटर की भाषा क्या है? 01। तो 01 की भाषा में ए बोलेगा। तो अगर 01 की भाषा में ए कैसे बोलेगा ये देखना चाहते हो तो गूगल में आओ और यहां पर लिखो बाइनरी कन्वर्टर। राइट, यहां पर टाइप करो ए कन्वर्ट, ये लो, ये इंसान ऐसे बोलेगा ऐसे। चलो अब कंप्यूटर ने उसके ए को एक्सेप्ट कर लिया, अब कंप्यूटर से रिप्लाई करना चाहता है। तो कंप्यूटर मान लीजिए रिप्लाई करता है एक्सेप्ट या रिजेक्ट, तो कैसे करेगा? क्या इंग्लिश में एक्सेप्ट लिख के उसे रिप्लाई करेगा? क्या इंग्लिश में उसे रिजेक्ट लिख के रिप्लाई करेगा? नहीं, कंप्यूटर उसे बाइनरी लैंग्वेज में रिप्लाई करेगा। तो अगर हम ये देखें कंप्यूटर उसे बाइनरी लैंग्वेज में रिप्लाई करता है एक्सेप्ट या रिजेक्ट, तो कैसे होता है वो बाइनरी लैंग्वेज, कैसे उसकी कोडिंग होती है देखें जरा आप। यहां पर लिखें आप कंप्यूटर ने बोला रिप्लाई किया उसे एक्सेप्टेड, तो देखो कुछ इस तरीके से रिप्लाई करेगा। ये लो, इस तरीके से ऐसे रिप्लाई करेगा। एक्सेप्टेड, चलो अगर कंप्यूटर रिजेक्ट बोलता है तो कैसे करेगा वो भी देख लें आप। ये लो, समझ आ गई बात। तो ये इंसान को ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। अच्छा कंप्यूटर ने ऐसा बोला है तो ये अच्छा ये एक्सेप्टेड बोला है, कंप्यूटर ने ऐसा रिप्लाई आउटपुट दिया तो अच्छा रिजेक्टेड बोला है ना। अब मान लो ये इंसान कंप्यूटर से बोलना चाहता है हेलो क्लाउड नॉलेज, कैसे बोलेगा? हेलो क्लाउड नॉलेज को भी बाइनरी लैंग्वेज में बोलेगा 01। चलो देखते हैं भाई कैसा आएगा निकल के हेलो क्लाउड नॉलेज। कन्वर्ट करो, ये लो कुछ इस तरीके से निकल के आया। कुछ इस तरीके से क्या लिखा है ये हेलो, ये लिखा है ना। चलो अब थोड़ा सा और आगे बताता हूं। अब ये इंसान कंप्यूटर से क्या बोला हेलो क्लाउड नॉलेज, कैसे लिखा? इस तरीके से।
लेकिन ये जो लिखा है ना ये इंसान ने, ये किसी फाइल में लिखा होगा, और ऐसे सिंपल तो नहीं लिखा होगा, कुछ सिंटेक्स भी यूज किया होगा, कॉमा कर्ली ब्रैकेट, किसी फाइल के अंदर सारे सिंटेक्स के साथ इसे लिखा होगा। तो सारे सिंटेक्स के साथ ही फाइल के अंदर ये जो लिखा गया है, ये क्या है पता है? एक प्रकार से ये एक प्रकार से कंप्यूटर से बात करने के लिए इसने एक वर्ड तैयार किया। क्या किया? एक वर्ड तैयार किया। समझ आ रही मेरी बात यहां पे? और इस वर्ड के थ्रू इंस्ट्रक्शन दिया इसने। तो फाइल के अंदर ये जो आपने लिखा है, ये जो आपने पूरी की पूरी बाइनरी के कोडिंग की है, इस कोडिंग को ही हम लोग कहते हैं प्रोग्रामिंग। समझ आ रही मेरी बात यहां पे? इस कोडिंग को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग। राइट? जिस तरीके से ये इंसान, इस इंसान से जब बात करता है तो शब्द का इस्तेमाल करता है, और वो शब्द बनाई गई होगी और शब्द के थ्रू इंस्ट्रक्शन पास कर रहा है ना। तो ऐसे ही हम जब ये इंसान जब कंप्यूटर से बात करता है तो वो क्या करता है? हेलो क्लाउड नॉलेज बोलना चाहता है, तो एक फाइल के अंदर वो पूरी की पूरी कोडिंग करेगा अपना, उसकी पर्टिकुलर सिंटेक्स के तौर पे वो फाइल बनाएगा, उस फाइल के थ्रू कॉल करेगा, उसे इंस्ट्रक्शन पास करेगा, उसको कहते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग। क्या कहते हैं? इसी को कहा जाता है कोडिंग, इसी को कहते हैं। पहले लोग कोडिंग कहते थे, अब लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कहने लग गए, इसी को कहा जाता है प्रोग्रामिंग। राइट? और ये जो लिख रहा होता है, ये जो फाइल बना रहा होता है, उस इंसान को कह दिया जाता है प्रोग्रामर। तो कोई ना कोई इंसान तो ऐसा कर ही रहा होगा, मान लो ये इंसान कर रहा है। ठीक है, ये इंसान कर रहा है ये काम, तो इस इंसान को क्या कह दिया जाता है? प्रोग्रामर। इसको कह दिया गया प्रोग्रामर। समझ आ गई मेरी बात यहां पर? तो ये क्या हुआ? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ आई इसका मतलब? प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हुआ? आप फाइल के अंदर जो भी कोडिंग कर रहे हो तो उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं, और लैंग्वेज एक भाषा होती है। तो ये इंसान कंप्यूटर से कैसे बात कर रहा है? 01 की लैंग्वेज में, इसी को कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्योंकि यहां पर भी इंसान को क्या करना पड़ रहा है? कोडिंग करना पड़ रहा फाइल के अंदर। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? चल अब थोड़ा और आगे निकलते हैं। अब अगर इस इंसान को कंप्यूटर से बड़े बड़े बात करने, बड़े बड़े काम करवाने, तो आप सोचिए इस इंसान को कितने बड़े लेवल पे ये बाइनरी लैंग्वेज में कोडिंग करनी पड़ेगी, कितने बड़े लेवल पे ये बाइनरी लैंग्वेज में उसे प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। आप सोच भी नहीं सकते, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम आजकल कंप्यूटर पे चलते हैं, है ना। और कंप्यूटर तो साफ साफ कहता है, मुझे यार और कोई भाषा समझ में नहीं आती, मेरे को कुछ बोलवाना है तो ऐसे ही बोलो। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो ये बहुत बड़ी समस्या थी लोगों के साथ, इंसानों के साथ। यार इंसान कब तक इतनी बड़ी बड़ी कोडिंग लिखता रहेगा? ऐसे तो परेशान हो जाएगा। तो इसका सलूशन क्या आया? इसका सलूशन आया कि इंसान को कंप्यूटर से बात करवाना है तो एक नई आर्टिफिशियल लैंग्वेज बनाई गई मार्केट में। वो आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या है? एक प्रकार से एक नई लैंग्वेज तैयार की गई कंप्यूटर से बात करने के लिए। उस लैंग्वेज को हम लोग कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। क्या कहते हैं? असेंबली लैंग्वेज। तो अब कहा गया इंसानों को कि भाई तू कंप्यूटर से बात करना चाहता है तो तू काम कर, बाइनरी लैंग्वेज में मत लिख कोड, तू कोडिंग मत कर, तू असेंबली लैंग्वेज में कर। असेंबली लैंग्वेज थोड़ी सी तुझे इजी पड़ेगा। तो अगर ये इंसान कंप्यूटर से बोलना चाहता है हेलो क्लाउड नॉलेज, और असेंबली लैंग्वेज में कैसे बोलेगा? देखो इस तरीके से बोलेगा, कुछ अल्फाबेटिक आ जाएंगे यहां पर ऐसे आगे जाते। फॉर एग्जाम्पल ये क्लाउड बोलना चाहता, CLO 10 ये लो, ये एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। नॉलेज बोलना चाहता है KNOW 101, ये लो बस इतना, मतलब अल्फाबेटिक विथ न्यूमेरिक। तो कहीं ना कहीं इससे तो थोड़ा सा इजी पड़ा इंसानों को। तो
तो इंसान ने बोला यार बाइनरी लैंग्वेज से तो थोड़ा सा इजी है, इसी में हम लोग कोडिंग कर लेंगे, इसी में हम लोग प्रोग्रामिंग कर लेंगे कंप्यूटर से बात करने के लिए। लेकिन कंप्यूटर भाई साहब तो कहते हैं यार मैं तो आपको आपके इस भाषा को भी नहीं समझता, मैं तो सिर्फ 0-1 को समझता हूं, अब क्या करें। तो असेंबली लैंग्वेज जिसने बनाई तो उसने एक कन्वर्टर आपको दिया, एक ट्रांसलेटर आपको दिया और कहा ट्रांसलेटर के थ्रू आप अपने इस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लो बाइनरी लैंग्वेज में, फिर वो बाइनरी लैंग्वेज समझ जाया करेगा आपका कंप्यूटर। तो कन्वर्टर कौन है, बीच में यहां पर कन्वर्टर भाई साहब आ गए। तो जिसने असेंबली लैंग्वेज बनाया उसी ने कन्वर्टर भी बनाया, जिसको हम लोग कहते थे असेंबलर। समझ आ रही बात यहां पे? तो असेंबलर क्या करता है, आपके असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है बाइनरी लैंग्वेज में, फिर उस बाइनरी लैंग्वेज वो आपके मशीन कंप्यूटर को समझ में आती है और कंप्यूटर जब रिप्लाई करता है तो रिप्लाई वो डायरेक्ट इसको नहीं करता, वो असेंबलर को करता है, असेंबलर वापस कन्वर्ट करके आपको असेंबली लैंग्वेज में आउटपुट दिखा देता था। लेकिन कहीं ना कहीं इंसानों ने फिर बोला यार ये असेंबली लैंग्वेज भी हमें थोड़ा सा टफ पड़ने लग गया। इंसानों ने बोला या फिर बड़े बड़े साइंटिस्ट इसका सलूशन निकालते गए। तो अब आया मार्केट में हाई लेवल लैंग्वेज, तो बहुत ही इजी सिंटैक्स होता है उसका। क्या आया? हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब कंप्यूटर, अब इंसान अगर कंप्यूटर से बात करना चाहता है तो ना तो उसे बाइनरी लैंग्वेज में कोडिंग लिखने की जरूरत है, ना तो उसे असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग लिखने की जरूरत है। अब इंसान अगर कंप्यूटर से बात करना चाहता है तो हाई लेवल लैंग्वेज में कोडिंग लिखता है। तो हाई लेवल लैंग्वेज को समझते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। राइट? तो अगर ये इंसान कंप्यूटर से हाई लेवल लैंग्वेज में बोलना चाहता है हेलो क्लाउड नॉलेज, तो कैसे बोलेगा? देखे जरा आप, यहां पर सिंपल सा लिखेगा प्रिंट हेलो क्लाउड नॉलेज, बात खत्म। बस देखो कितना इजी सिंटैक्स है, पूरा सेम टू सेम इंग्लिश, ह्यूमन रीडेबल, ह्यूमन को बहुत जल्दी रीड आ रहा है, सिंटैक्स बहुत इजी है। तो अब कहा जाता है कि इंसान अगर कंप्यूटर से बात करना चाहता है तो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे। लेकिन समस्या वही आ जाती है फिर से, कंप्यूटर भाई साहब कहते हैं कि मुझे तो ये सब समझ में नहीं आता, मुझे तो आपकी असेंबली समझ में नहीं आई, तो आपकी ये क्या समझ में आएगा भाई, ये तो पूरा प्लेन टेस्ट है, ये तो पूरा ह्यूमन रीडेबल है, मैं तो 0-1 को समझता हूं। तो हाई लेवल लैंग्वेज जब आया मार्केट में तो हाई लेवल लैंग्वेज ने भी अपना कन्वर्टर लाया, अपना ट्रांसलेटर लाया, क्योंकि बिना ट्रांसलेटर के गेम तो चलता ही नहीं है। यहां पर असेंबली आई तो ट्रांसलेटर आया तभी तो हुआ काम, क्योंकि मशीन भाई साहब तो 0-1 ही समझते हैं। तो यहां हाई लेवल लैंग्वेज का ट्रांसलेटर कौन है? हाई लेवल लैंग्वेज का ट्रांसलेटर है कंपाइलर। आप सबको पता है, जो बंदे प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से होंगे उन्हें पता है। तो बीच में आएगा कंपाइलर, तो कंपाइलर भाई साहब क्या करेंगे, कंपाइलर भाई साहब आप के इस हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी लैंग्वेज में और बाइनरी लैंग्वेज से समझ में आ जाएगी कंप्यूटर को, फिर कंप्यूटर रिप्लाई करेगा तो आपके कंपाइलर के पास आएगा, कंपाइलर कन्वर्ट करके आपको स्क्रीन में ऐसे दिखाएगा। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो आजकल आईटी इंडस्ट्री में जो भी आदमी कंप्यूटर से बात करना चाहता है सब हाई लेवल लैंग्वेज से बात करते हैं। अब वो हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं बताता हूं थोड़ा सा। उससे पहले आप यहां पर समझें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं। तो यहां पे हम लोग पहले समझते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके पूरे के पूरे आईटी इंडस्ट्री के अंदर दो टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं आपके आईटी इंडस्ट्री के अंदर। एक है दोस्तों लो लेवल, एक है दोस्तों हाई लेवल।
राइट, एक आपका लो लेवल, एक आपका हाई लेवल। लो लेवल का मतलब क्या हुआ? लो लेवल का मतलब जिसका सिंटेक्स बहुत डिफिकल्ट है उसे हम लोग लो लेवल कहते हैं, जिसको ह्यूमन रीड नहीं कर पाता इजिली उसे लो लेवल कहते हैं, और हाई लेवल जिसको ह्यूमन रीड करता है इजिली, सिंटेक्स वाइज बहुत इजी है, उसे कहते हैं हाई लेवल। तो अगर हम यहां पर देखें ये इंसान कौन सी लैंग्वेज को जल्दी रीड नहीं कर पा रहा, इसको नहीं रीड कर पा रहा जल्दी, है ना, इसको जल्दी से रीड नहीं कर पाता। तो ये असेंबली और मशीन, ये बाइनरी लैंग्वेज, ये सारे आते हैं लो लेवल में। तो अगर हम थोड़ा सा और आगे जाएं, लो लेवल के अंदर भी दो टाइप के हैं, कौन कौन से, लो लेवल के अंदर भी आपके दो टाइप के मिलेंगे। एक मिलेगा आपका मशीन लैंग्वेज, और एक आपका मिलेगा असेंबली लैंग्वेज। राइट, तो मशीन लैंग्वेज इसी को कहा जाता है, बाइनरी को ही मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, 01 को ही मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। तो लो लेवल लैंग्वेज के अंदर एक मशीन लैंग्वेज आता है, एक असेंबली लैंग्वेज आता है, क्योंकि दोनों ह्यूमन रीडेबल को रीड करने में इजी नहीं है। और हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो हाई लेवल तो 900 से ज्यादा लैंग्वेज है, जैसे सी हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, सी प्लस प्लस हाई लेवल में आता है, जावा हाई लेवल में आता है, .NET हाई लेवल में आता है, पाइथन हाई लेवल में आता है, सब हाई लेवल में। और ऐसे 900 प्लस लैंग्वेज हैं जो हाई लेवल पे आते हैं। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? ये सब हाई लेवल में। तो हम लोग आजकल कंप्यूटर से हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू ही बात करते हैं। लेकिन अब आप बोलोगे सर ये 900 से ज्यादा हाई लेवल लैंग्वेज है तो आपने यहां पर पाइथन में क्यों लिखा हायर लेवल लैंग्वेज, राइट, क्योंकि पाइथन भी उसी का पार्ट है। लेकिन पाइथन थोड़ा सा और अच्छा हाई लेवल समझो उसको, क्यों समझाता हूं। देखो अभी मैंने ये इंसान कंप्यूटर से वो क्या बोलना चाहता था, हेलो क्लाउड नॉलेज। तो ये जो सिंटेक्स है ना ये पाइथन का सिंटेक्स है। लेकिन अगर ये इंसान सी लैंग्वेज में कंप्यूटर से बोलना चाहता है हेलो क्लाउड नॉलेज, तो देखो कितना बड़ा सिंटेक्स बनेगा। देखो जरा, चलो गूगल में, How to write Hello Cloud Knowledge in Java या C++, देखो जरा। तो ये देखो, Hello World इसने बोल रखा है। ये देखो, देखो जरा C++ में कैसे बोलेगा। ये लो, तो अगर ये इंसान पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से हेलो क्लाउड नॉलेज बोलना चाहता है तो इतनी सिंपल सिंटैक्स में बोल देगा। लेकिन अगर सी में बोलना चाहता है तो कैसे बोलेगा, देखे जरा। सी में ऐसे ऐसे बोलना पड़ेगा, ये लो एस, ये बड़ा सिंटैक्स में। और अगर जावा में बोलना चाहता है तो देखें जरा, जावा में भी है, सारे में है ना, C++ में भी है, नीचे आते हैं। जी लो, जावा में कुछ इस तरीके से उसे लिखकर बोलना पड़ेगा। इस तरीके से बोलना पड़ेगा। तो
अगर आपसे पूछा जाए हाई लेवल लैंग्वेज में और अच्छा इजी सिंटेक्स किसका है, तो आप बोलोगे पाइथन का है, इसलिए तो पाइथन फेमस है। ऐसा क्यों है ये भी तो समझना इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए, कि भाई जावा में इतना बड़ा कोड लिख रहे हो, सी में इतना बड़ा लिख रहे हो, पाइथन में इतनी सी लिखने में क्यों काम हो जा रहा है? क्योंकि पाइथन को बनाने वाला जो फाउंडेशन टीम है, पीएसएफ पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, वो टीम कहता है कि मेरे जो प्रोग्रामर होंगे ना, उस प्रोग्रामर को ज्यादा माथापच्ची मैंने नहीं करने दूंगा। पीएसएफ की टीम कहती है कि मैं खुद बैकएंड में प्रोग्रामिंग करके मैं रख देती हूं। तो उसने क्या किया, खुद ऐसे उसने जो भी कोड फोड ऐसे लिखा है, अपना कोडिंग की है, और उसको एक डब्बे के अंदर उसने पैक किया है, और उसको एक फंक्शन बनाकर कॉल कर दिया, और आपको फंक्शन दे दिया प्रिंट नाम का। और ये सारे फंक्शन, ये फंक्शन उनके लाइब्रेरी में रखे हुए हैं पाइथन के, पीएसएफ की टीम, पीएसएफ के। और कहा कि प्रोग्रामर को अगर कुछ बोलना है, हेलो क्लाउड नॉलेज बोलना है, तो प्रोग्रामर को सी या जावा की तरह इतना बड़ा बड़ा कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, कोडिंग मैंने बैकएंड में कर दी है, मैंने फंक्शन बना दिया, और ये लो फंक्शन को उठाओ और अपना काम करके निकल लो। तो देखा जाए सी में जो कोडिंग प्रोग्रामर करता है, जावा में जो कोडिंग प्रोग्रामर करता है, वो प्रोग्रामिंग पाइथन की जो टीम है पीएसएफ पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, उनकी टीम के डेवलपर ने खुद करके रख दिया, फंक्शन बना के आपको दे दिया, बोला ये उठाइए फंक्शन, अपना काम करिए और निकलिए, इतना माथा पच्ची आप क्यों कर रहे हैं? तो प्रोग्रामर को इजी कर दिया। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए यहां पर एक क्लाउड नॉलेज है, क्लाउड नॉलेज ने सोचा कि यार मैं कुछ सॉफ्टवेयर बनाता हूं, तो अगर क्लाउड नॉलेज कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा, एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाएगा, तो आप सोचिए जैसे ये प्रिंट वाला फंक्शन है, ऐसे कितने सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ेंगे पूरे के पूरे, राइट? तो अगर एक सॉफ्टवेयर बनाता है क्लाउड नॉलेज और जावा को चूज करता है, तो सोचिए कितनी सारी लाइन की कोडिंग करनी पड़ेगी, या सी को चूज करता है तो कितनी सारी लाइन की कोडिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर पाइथन को मैं चूज करता हूं, तो मुझे ज्यादा कोडिंग करनी नहीं है, मैं तो ऐसे कितने सारे फंक्शन पीएसएफ ने बना बना कर अपनी लाइब्रेरी में अपलोड कर रखा है, मैं सिर्फ वो फंक्शन को उठाऊंगा, सिंटेक्स लूंगा, उनके फंडामेंटल को लूंगा, और फटाफट इधर से जोड़ के अपना सॉफ्टवेयर बना के जल्दी से जल्दी दे दूंगा, जल्दी भी बन जाएगा, सिंटेक्स वाइज भी इजी रहेगा। तो यही तो चाहिए ना आजकल लोगों को। समझ में आ रही मेरी बात यहां पे? तो जो लोग सोचते हैं कि पाइथन इतना इजी सिंटेक्स क्यों है, उनका आंसर ये है दोस्तों, क्योंकि पाइथन को मैनेज करने की जो फाउंडेशन टीम है, जो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन टीम है, वो ये सोच के काम करते हैं वो लोग कि प्रोग्रामर को इजी रखो, हम बैकएंड में सारे ताम जाम फैला के हम लोग रख लेते हैं, हम मैनेज कर लेंगे, इजी करते हैं उनको। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि पाइथन को जिसने बनाया है ना, ग्यूडो वैन रॉसम, यो नाम है जिस बंदे ने पाइथन को बनाया, वो जब अपने जमाने में कंपनी में काम करता था, तो उसे जब सॉफ्टवेयर बनाने होते थे तो सी में बनाया करता था, तो बहुत परेशान हो जाता था, यार ये क्या है इतना लंबा लंबा कोडिंग। तो इस परेशानी की वजह से उसने ऐसा काम कर दिया, यार मैं झेलता हूं परेशानी, आगे आने वाली पीढ़ी को परेशानी नहीं देना है। समझ आ रही मेरी बात यहां पे? तो इसीलिए लोग पाइथन को सेलेक्ट करते हैं आज के टाइम पे। तो किसी भी कंपनी को अगर नया सॉफ्टवेयर बनाना है, तो सिंटेक्स वाइज इजी कौन है? पाइथन उठा लो भाई, कहा जाता है। कोई भी वेब एप्लीकेशन बनाना है, पाइथन उठा लो भाई, सबसे इजी है। किसी हैकर को कुछ हैकिंग बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, पाइथन उठा लो जी, जल्दी हो जाएगा। तो इसी तरीके से कई ऐसी कंपनी है जो अपने एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, अपने एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जिन्होंने जावा में लिख रखा है, उन्होंने बोला जावा हटा के पाइथन में कर दो जी, छोटा करो जी। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? या फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपको कुछ एक छोटा सा एप्लीकेशन बनाना है, आप भी लैंग्वेज का चूज करेंगे, पाइथन उठा लो जी। या कोई एक डॉक्टर है जो अपने 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 क्लिनिक में कोई एप्लीकेशन यूज करना चाहता है, वो किसी से बनवाना चाहता है, बनवाने की जरूरत नहीं, खुद पाइथन को लर्न कर ले और बना लेगा, क्योंकि पाइथन लर्निंग बेस भी बहुत ईजी है। C++ में सोचेगा तो बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा उसे, जावा में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो
पाइथन सिंटेक्स वाइज बहुत इजी है क्योंकि आपको ज्यादा तामझाम नहीं करना होता। तो इस इजी की वजह से पाइथन को हर प्लेटफॉर्म में यूज करने लगे लोग, हर पर्पस में लोग पाइथन को यूज करने लगे। देखा जाए तो यूट्यूब पाइथन यूज करती है, फेसबुक पाइथन यूज करती है, इंस्टाग्राम पाइथन यूज करती है, यूडेमी पाइथन यूज करती है, रेडहेट पाइथन यूज करती है, AWS पाइथन यूज करती है, आज के टाइम पर हर कंपनी पाइथन यूज करती है। अगर आप SCL की बात करें तो SCL भी पाइथन यूज करती है, अपने डेवॉप्स में यूज करते हैं वो लोग, क्योंकि पाइथन से आप स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हो, जो आप लोग सेल स्क्रिप्ट से करते थे वो आप पाइथन के थ्रू भी कर सकते हो। विप्रो पाइथन यूज करती है, TCS पाइथन यूज करती है, ये सारी सर्विस बेस्ड कंपनी है, गूगल पाइथन यूज करती है, समझ में आ रही मेरी बात? यहां पर सब लोग पाइथन यूज करते हैं आज के टाइम पे। तो पाइथन को हर पर्पस में देखा गया, यूज होने लगा। तो जब कोई भी चीज हर पर्पस में यूज होने लग जाती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? जनरल पर्पस। तो इसीलिए पाइथन को कहा जाता है जनरल पर्पस। और हायर लेवल का मतलब आपको मैंने बता ही दिया, सिंटेक्स वाइज इजी है इसलिए उसे हायर लेवल कहते हैं। तो समझ में आया जनरल पर्पस क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर पर्पस पे आप पाइथन को यूज कर सकते हो। आप गेमिंग के लिए पाइथन को यूज कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन के लिए पाइथन को यूज कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए पाइथन को यूज कर सकते हो, आप डेटा साइंस के लिए पाइथन को यूज कर सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए में पाइथन को यूज कर सकते हो, मशीन लर्निंग में आप पाइथन को यूज कर सकते हो। सब जगह पाइथन फिट बैठती है। जैसे अगर मैं बात करूं अंग्रेजी लैंग्वेज जिस तरीके से हर जगह फिट बैठती है ना, वैसे ही पाइथन हर जगह फिट बैठती है। अब आप बोलोगे सर कैसे अंग्रेजी भाषा हर जगह फिट बैठती है, जरा बताइए। तो आप मुझे बताइए, अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जिसको सिर्फ हम लोग बातचीत में यूज नहीं करते, हर पर्पस में यूज करते हैं। मान लो आप अपनी कंपनी जाते हो, ठीक है, तो आपकी कंपनी के बाहर नेम प्लेट लिखा है, नेम प्लेट लगा होगा ना, वो नेम प्लेट में जो आपकी कंपनी का नाम है, एड्रेस है, वो कौन सी भाषा में लिखा है? आपने उर्दू में तो नहीं लिखा होगा ना, इंग्लिश में लिखा है। कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो अपने प्रोडक्ट में जो नेम प्लेट है जो भी लिखती है कौन सा भाषा यूज करते हैं वर्ल्ड लेवल पे? इंग्लिश भाषा। आप रेलवे स्टेशन चले जाइए, रेलवे स्टेशन में जो नाम है इंग्लिश में लिखा हुआ। आप एयरपोर्ट चले जाइए, एयरपोर्ट में नाम इंग्लिश। तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ बातचीत में नहीं हर पर्पस में यूज हो रहा है। आपके मोबाइल में यू देखिए तो इंग्लिश इंग्लिश में सब कुछ आएगा, लैपटॉप में सब इंग्लिश इंग्लिश में आ रहा है। तो जिस तरीके से इंग्लिश हर पर्पस में यूज होती है तो इंग्लिश भी एक प्रकार से जनरल पर्पस लैंग्वेज आप बोलिए। तो इसी तरीके से पाइथन भी हर पर्पस पे आज के टाइम पे यूज हो रही। तो पाइथन क्या है? जनरल पर्पस, हाई लेवल। समझ में आ गया? सिंटेक्स वाइज इजी है, ह्यूमन रीड कर लेता है तो उसे हाई लेवल कहते हैं। और प्रोग्रामिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। कोई भी फाइल के अंदर आप कोडिंग करते हो उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। लैंग्वेज आपको मैंने समझा दिया। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ लग गई होंगी। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। पाइथन इज ओपन सोर्स एंड फ्री लैंग्वेज। पाइथन क्या है दोस्तों? ओपन सोर्स और फ्री लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या हुआ? पहले समझो ओपन सोर्स, फिर समझाऊंगा फ्री। ओपन सोर्स का मतलब देखो क्या होता है। मान लो क्लाउड नॉलेज नाम की कंपनी क्लाउड नॉलेज कोई सॉफ्टवेयर बना रही है, तो चलो सॉफ्टवेयर बनाऊंगा और पाइथन को चूज किया, तो ऐसे कितने प्रिंट जैसे कितने सारे फंक्शंस को मैं लूंगा, है ना। मान लो प्रिंट फंक्शन को मैंने लिया और प्रिंट फंक्शन को बनाने के बैकएंड में जो पाइथन की जो टीम ने कोडिंग की है वो कोडिंग में देखना चाहता हूं तो बिल्कुल मैं देख सकता हूं। ओपन सोर्स का मतलब यही है, सारे के सारे कोड ओपन रहेंगे, तो जितने भी फंक्शन यूज करूंगा सबके बैकएंड की कोडिंग में देख सकता हूं। यही तो मतलब है ओपन सोर्स का मतलब। तो ये ओपन सोर्स हो गया। फ्री का मतलब क्या हुआ? फ्री का मतलब ये हुआ कि अगर मैं पाइथन लैंग्वेज को यूज करके कोई सॉफ्टवेयर बनाता हूं, कोई प्रोडक्ट बनाता हूं और उसको मार्केट में अपने क्लाइंट को अपने कस्टमर को सेल आउट करता हूं ना, तो सेल आउट करने के बाद एज अ कॉमर्शियल हो गया, मैं सेल आउट कर रहा हूं, मैं पैसे कमा रहा हूं। तो सेल आउट करने के बाद मुझे पाइथन की जो टीम है जो पाइथन को मैनेज करते हैं PSF पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, उन्हें मुझे उन्हें कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है,
कोई भी सर्विस चार्ज देने की जरूरत नहीं है कि मैंने आपकी लैंग्वेज को यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाया, उससे मैं मार्केट में पैसे कमा रहा हूं। पाइथन की टीम मुझसे कोई पैसे नहीं मांगेगी, यही मतलब होता है फ्री का। लेकिन अगर मैं जावा लैंग्वेज को यूज करके कोई प्रोडक्ट बनाता और मार्केट में सेल आउट करता, तो जावा को मैनेज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मुझसे पैसे मांगती, क्योंकि जावा फ्री नहीं है। ओपन सोर्स तो है बट फ्री नहीं है। और पूछा जाए जावा को कौन मैनेज करता आज के टाइम पे, तो जावा जब मार्केट में आई थी तो सन माइक्रोसिस्टम ने लाया था, राइट? लेकिन सन माइक्रोसिस्टम, ओरेकल ने सन माइक्रोसिस्टम से उसे परचेज कर लिया था। तो आज के टाइम पे जावा को कौन मैनेज करता? ओरेकल। तो ओरेकल को मुझे फी पे करना पड़ता, या तो फिर ओरेकल मुझे वो सारे लाइब्रेरी फंक्शंस मुझे नहीं देती और मुझे बोलती कि अगर इंपॉर्टेंट वाले लाइब्रेरी फंक्शन जो सॉफ्टवेयर को बनाने में मुझे जरूरत पड़ते हैं वो आपको तभी मिलेंगे जब आप इंटरप्राइजेस वर्जन लोगे जावा का, और इंटरप्राइजेस वर्जन मुझे पेड के साथ लेना पड़ता, पैसे देना पड़ता ओरेकल को, तब मिलता मुझे। तो समझ में आया पाइथन की इंपॉर्टेंसी। ओपन सोर्स है विथ फ्री लैंग्वेज है, तो फ्री लैंग्वेज होने की वजह से कंपनीज का फायदा उठाती है। भाई अगर कोई कंपनी जावा में सॉफ्टवेयर बना के मार्केट में सेल आउट कर रही है और हर महीने 1 करोड़ कमाती है, मान लीजिए वो कंपनी सॉफ्टवेयर बना के, तो 30 लाख रुपए ओरेकल को देना पड़ता है भाई, क्योंकि ओरेकल का प्रोडक्ट, ओरेकल के प्रोडक्ट से आपने अपना प्रोडक्ट तैयार करके मार्केट में बेचा है ना। लेकिन अगर वही कंपनी पाइथन में ये चीज करके बेचेगी तो पाइथन बनाने वाली कंपनी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं, पूरा का पूरा 1 करोड़ प्रॉफिट में हुआ। तो इसीलिए तो हर कंपनी पाइथन को सेलेक्ट कर रही है। समझिए क्रोनोलॉजी, समझिए यहां पर क्यों पाइथन बूम पे चल रहा है, पैसा बचा रही है ये कंपनी का, राइट? इसीलिए एग्जिस्टिंग कंपनी, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं जो जावा में लिखे गए हैं, जो सी में लिखे गए, उन्हें हटा के पाइथन में इसीलिए लिखा जा रहा है, पैसे बचाना है। और कौन नहीं चाहता पैसे, कॉस्ट कटिंग। वो 30 लाख बचेगा, किसी डेवलपर को हायर कर लेंगे 30 लाख में, वो 30 लाख बचेगा 10 लाख में डेवऑप्स इंजीनियर हायर कर लेंगे। ये तो 30 लाख एक मैं बता रहा हूं, कई कंपनी ऐसे होते 30-30 करोड़ देते होंगे। समझ में आ रही बेनिफिट क्या हुआ पाइथन के आने का इंडस्ट्री को। चलो और आगे बात करते हैं। पाइथन हिज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज, क्या मतलब है पाइथन इज क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज? बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। चलो ये एक लैपटॉप है, ये एक लैपटॉप है, ये एक लैपटॉप है, ये विंडोज लैपटॉप है, ये आपका लिनक्स लैपटॉप है, लिनक्स ओएस है, ये आपका मैक है, ठीक है। चलो ये एक डेवलपर है, ये क्या है, एक डेवलपर है, इसने एक सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर बनाने की इसने कोडिंग लिखी, ठीक है, ये इसने कोडिंग लिखी, ये कोडिंग लिखी उसने। चलो तो डेवलपर ने जो कोडिंग लिखी है, इस कोडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलेंगे सोर्स कोड। क्या है दोस्तों ये? सोर्स कोड, ठीक है। अब ये सोर्स कोड इसमें तो चलेगा नहीं, इसमें तो चलेगा नहीं, इसमें तो चलेगा नहीं, तो हमें क्या करना होता है, सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं हम लोग, है ना। तो ये रहा कंपाइलर, और कंपाइलर के थ्रू हमने क्या किया, सोर्स कोड को कंपाइल किया। तो कंपाइल करके इसने क्या बनाया, कंपाइल करके इसने बनाया मशीन कोड, जो मशीन को समझ में आती है। तो इसने मशीन कोड बनाया लो इस तरीके से 01010101, यही तो मशीन को समझ में आएगी ना। तो चलो इसने मशीन कोड बना दिया। अब सवाल यह है कि ये जो मशीन कोड है
वो विंडो में चलेगी या लिनक्स में चलेगी या मैक में चलेगी या तीनों में चलेगी, राइट? तो ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये सी लैंग्वेज के केस में हम लोग अभी बात कर रहे हैं, सी लैंग्वेज में। सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है ये पूरा, ये जो मैंने अभी बताया आपको, ये वाला पोर्शन। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि एक डेवलपर अगर सी लैंग्वेज में कोडिंग किया, उसने कंपाइल किया, कंपाइल करके मशीन कोड बना, अब ये मशीन कोड क्या विंडो में चलेगी या लिनक्स में चलेगी या मैक में चलेगी या फिर तीनों में चलेगी? तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपने कंपाइलर कौन सा यूज किया। तो मान लो अगर आपने कंपाइलर यूज किया टर्बो, तो टर्बो कंपाइलर बोलता है कि मैं जो सोर्स कोड को उठा के जो मैं कंपाइल करके जो मशीन कोड बनाता हूं, और अगर मशीन कोड बनाने में टर्बो कंपाइलर यूज किया गया है तो ये मशीन कोड सिर्फ विंडोज में सपोर्ट करेगा, लिनक्स में नहीं करेगा, क्योंकि डॉट ये टर्बो कंपाइलर डॉट exe एक्सटेंशन बना के देगा आपको, और ये विंडोज में सपोर्ट करेगा, लिनक्स में नहीं करेगा, राइट? तो ये क्या हो गया? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। क्या हो गया? प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, राइट? तो अगर लिनक्स में चलवाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ये कहता है कि भाई आप एक दूसरा कंपाइलर लीजिए जो लिनक्स बेस मशीन कोड बना के देगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे, दूसरा कंपाइलर लेंगे, और कौन सा कंपाइलर लेंगे? लिनक्स बेस कंपाइलर कौन सा आता है? जीसीसी। तो आप सोर्स कोड को दोबारा कंपाइल करेंगे जीसीसी कंपाइलर से, फिर ये बनाएगा खुद का अपना अलग मशीन कोड, ये अपना अलग बनाया, और ये मशीन कोड अब रन होगा लिनक्स में, ये मैक में भी नहीं होगा। तो अगर मैक में करना है तो फिर ये कहता है कि आप मैक बेस कंपाइलर यूज करिए, ऐसा कंपाइलर यूज करिए जो मशीन कोड बनाए और मैक में सपोर्ट करे। तो फिर हमें इस सोर्स कोड को दोबारा कंपाइल कर तीसरी बार कंपाइल करनी पड़ेगी, और मैक बेस कंपाइलर कौन सा आता है? LLVM, राइट? जो बंदे सी पढ़े उन्हें पता ही चीज है। मशीन कोड ये लो। तो सी लैंग्वेज में कैसे होता था? सी लैंग्वेज देखा जाए तो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं थी, लेकिन पाइथन क्रॉस प्लेटफॉर्म। पाइथन में एक ही बार कंपाइल करना पड़ता है, बार बार नहीं, यहां पर देखो देखा जाए तो बार बार कंपाइल करना पड़ रहा है। इस सोर्स कोड को बार बार आप कंपाइल कर रहे हो, एक बार विंडो के लिए, एक बार लिनक्स के लिए, एक बार मैक के लिए। और सी में तो कई बार ऐसा होता है कि सोर्स कोड भी आपको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि टर्बो कंपाइलर कहता है कि मैं सोर्स कोड के जिस सिंटेक्स को मैं सपोर्ट करता हूं, जीसीसी कंपाइलर उस सिंटेक्स को नहीं करता सपोर्ट। तो सोर्स कोड के सिंटेक्स भी कई बार बदलने पड़ जाते हैं। ऐसी LLVM कहता है कि जो सिंटेक्स जीसीसी समझता है वो सिंटेक्स मैं नहीं समझता, तो सोर्स कोड को बदलना पड़ जाता है, मॉडिफाइड करना पड़ता है। समझ में आ रही है? ये होता था सी में, तो इसलिए सी क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है। लेकिन पाइथन को मैंने क्या बोला? पाइथन इज अ क्रॉस प्लेटफॉर्म। तो पाइथन में कंपाइल एक ही बार करना पड़ेगा, राइट? बार बार कंपाइल करने की जरूरत नहीं है। तो पाइथन में कैसे होता है समझिए। तो ये जैसे सोर्स कोड था, ये सोर्स कोड था, तो ये सोर्स कोड को हमने एक बार किया कंपाइल, एक ही बार कंपाइल करना पड़ेगा आपको यहां पर, पाइथन के केस में बता रहा हूं ये। और पाइथन के केस में जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो कंपाइल करके ये मशीन कोड नहीं बनाता सी की तरह, ये बनाता है बाइट कोड। क्या बनाता है? ये बाइट कोड बनाएगा ये, ये बनाएगा दोस्तों बाइट कोड। समझ आ रही है? ये क्या बनाएगा? बाइट कोड। अब ये बाइट कोड आपका विंडोज में भी, लिनक्स में भी और मैक में भी चलेगा।
तो पाइथन का कंपाइलर कंपाइल करके मशीन कोड नहीं बनाता, सी का कंपाइलर बना रहा है। पाइथन का कंपाइलर कंपाइल करके बाइट कोड बनाता है, राइट। और ये रहा आपका मान लो विंडोज, ये रहा आपका लिनक्स, ये रहा आपका मैक। ये रहा आपका मैक, राइट। तो ये बाइट कोड आपका विंडोज में भी चलेगा, ये बाइट कोड लिनक्स में भी चलेगा, ये बाइट कोड मैक में भी चलेगा। लेकिन कैसे चलेगा ये भी समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। क्योंकि बाइट कोड जो निकल के आता है वो बाइट कोड कुछ इस तरीके से निकल के आता है। जैसे ये बाइट कोड निकल के आया, ये देखो ये बाइट कोड निकल के आया। लेकिन आप बोलोगे सर ये बाइट कोड, अच्छा ये बाइट कोड है तो ये बाइट कोड इसमें कैसे चलेगा, ये तो भाई मशीन कोड को समझता है। ये बाइट कोड इसमें कैसे चलेगा तो मशीन कोड समझता, ये कैसे चलेगा तो मशीन कोड समझता। यही तो आपके दिमाग में आएगा ना सवाल, बताता हूं कैसे। उसके लिए पाइथन की फाउंडेशन टीम ने बोला कि इस बाइट कोड को अगर आप इनमें चलाना चाहते हो तो आप एक काम करो, मैं एक सॉफ्टवेयर बना के तैयार किया मैंने, उस सॉफ्टवेयर का नाम है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। उस सॉफ्टवेयर पहले इन सिस्टम में डाल। विंडोज के लिए मैंने अलग अलग पीवीएम बनाया, लिनक्स के लिए मैंने अलग पीवीएम बनाया, मैक के लिए मैंने अलग पीवीएम बनाया। तो पाइथन की टीम कहती है कि बाइट कोड को अगर इस पे चलवाना है तो पहले एक काम करो, इसमें पीवीएम डालो। तो चलो पीवीएम यहाँ पे इंस्टॉल किया गया, साइड में मिल जाता है। चलो मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ थोड़ा समझाने के लिए, पीवीएम कहाँ डाला गया, इस मशीन के अंदर डाला गया, ठीक है। ये पीवीएम इंस्टॉल हो गया, मान लीजिए ये पीवीएम इसमें इंस्टॉल हो गया। तो अब पाइथन की टीम कहती है कि इस बाइट कोड को लेके आइए और इस बाइट कोड को अब इसके अंदर रन करिए। तो जब बाइट कोड को इसके अंदर रन करेंगे तो इसके अंदर जो पीवीएम पड़ा हुआ है, राइट, इसके अंदर जो पीवीएम पड़ा हुआ है वो पीवीएम क्या करेगा, आपके बाइट कोड को उठाएगा और अब वो बनाएगा मशीन कोड, उस बाइट कोड का बनाएगा मशीन कोड। समझ में आ रही है? तो पीवीएम यहां पर बाइट कोड को उठाता है और मशीन कोड बनाता है बाइट कोड का, और वो मशीन कोड फिर आपके मशीन को आ जाएगी। समझ में, समझ आ रही मेरी बात यहां पे? और फिर ये मशीन कोड को समझ में आ जाएगी। ऐसे ही अगर ये बाइट कोड आपको इस लिनक्स में चलाना है तो पाइथन की टीम कहती है कि एक काम करो, फिर आप लिनक्स सपोर्टेड मैंने पीवीएम बना रखा है, वो पीवीएम को उठा के लाइए और इस लिनक्स में इंस्टॉल करिए। और जब आप इंस्टॉल कर देंगे तो फिर इस बाइट कोड को इस मशीन में आप रन करेंगे तो इसके अंदर लिनक्स बेस्ड पीवीएम पड़ा हुआ है, वो पीवीएम बाइट कोड को उठा के मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा और फिर वो मशीन कोड इसको समझ में आ जाएगी। यहां पर ऐसा समझ आ रही बात यहां पर? फिर ये इसे समझ लग जाएगी। और ऐसे मैक में चलवाना है तो यही बाइट कोड को आप उठा के लाइए और मैक बेस मैंने पीवीएम बना रखा है तो मैक बेस पीवीएम को आप यहां पे इंस्टॉल करिए। फिर मैक बेस पीवीएम क्या करेगा, बाइट कोड को उठा के मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा जो मैक पे सपोर्ट कर जाएगा, फिर ये बना देगा आपका मशीन कोड। समझ लग गई बात? तो यहां पर क्या हुआ, देखो यहां पर पाइथन में एक ही बार कंपाइल करना पड़ा, वो बाइट कोड सब में चल रहा है। कंपाइल आपको बार बार नहीं करना पड़ा, डेवलपर को ज्यादा वर्डन नहीं आया यहां पर, ये तो खास बात है पाइथन की। एक ही बार कंपाइल करना पड़ा, इसलिए कहा जाता है ये क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है, क्रॉस प्लेटफॉर्म। एक ही बार कंपाइल, सोर्स कोड एक ही बार, वही सोर्स कोड। सी प्लस प्लस में क्या करना पड़ता था, कई बार तो ऐसा होता है कि टर्बो जिस सोर्स कोड के सिंटेक्स को सपोर्ट करता है, जीसीसी उस सिंटेक्स को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो सोर्स कोड में चेंजेस करना पड़ता था। यहां पे तो सोर्स कोड को चेंजेस ही नहीं करना, कंपाइल भी एक ही बार करना, बस वही बाइट कोड सब में चल रहा। ये उनका अपना फीचर है, पीवीएम दे रहे हैं,
पाइथन वर्चुअल मशीन। समझ आ गई मेरी बात यहां पर? चलो अब थोड़ा सा और एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर समझो। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब क्या होता है इसके अंदर का प्रोसेस समझो थोड़ा सा। देखो क्या होता है, यहां पर बीच में इंटरप्रेटर भी साथ में काम कर रहा है। कैसे? जिसकी वजह से लोग कहते हैं पाइथन इज अ इंटरप्रेटर। समझाता हूं अभी, पहले सी में आ जाओ। सी में क्या होता था, कंपाइलर सोर्स कोड को उठाता था, पूरे सोर्स कोड को कंपाइल करता था, मशीन कोड बना देता था। अब ये मशीन कोड यहां पे चल जाती थी। लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो पीवीएम क्या करता है पता है? पीवीएम जैसे कंपाइलर सोर्स कोड को कंपाइल किया, कंपाइल होने के बाद बाइट कोड बना, बाइट कोड चार लाइन का बना। तो अब ये पीवीएम क्या करता है, ये पीवीएम बाइट कोड की पहली लाइन उठाता है, बाइट कोड की पहली लाइन उठाता है, उस पहली लाइन को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद वो मशीन कोड यहाँ पे रन होती है, उसके बाद ही मशीन कोड डिलीट हो जाती है। फिर पीवीएम क्या करेगा, इस बाइट कोड के दूसरी लाइन को उठाएगा, दूसरी लाइन को उठा के मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करने के बाद उसे यहाँ पे रन करेगा और रन करके ये मशीन कोड को डिलीट कर देगा। फिर ये पीवीएम क्या करेगा, मशीन कोड बाइट कोड की तीसरी लाइन उठाएगा, तीसरी लाइन को उठा के मशीन कोड में फिर कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद उस मशीन कोड को इसमें रन करेगा और फिर इस मशीन कोड को डिलीट कर देगा। फिर बाइट कोड क्या करेगा, सॉरी फिर पीवीएम क्या करेगा, इस बाइट कोड के चौथी लाइन को उठाएगा, चौथी लाइन को उठाएगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, मशीन कोड में आने के बाद वो मशीन कोड यहां पे रन करेगा और इस मशीन कोड को डिलीट कर देगा। तो ये क्या हो रहा है, इंटरप्रेटेड की टाइप, इंटरप्रेटेड किस तरह से काम कर रहा है, इसी को कहते हैं इंटरप्रेटेड। एक एक करके एक एक लाइन उठा के चलना। ये पीवीएम ऐसा नहीं कर रहा है यहां पर कि बाइट कोड की चारों लाइन उठाए और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करे और रन करे, ऐसा नहीं कर रहा। ऐसा सी करता है। सी क्या करता है, सोर्स कोड को पूरा, सी का कंपाइलर क्या करता है, पूरे सोर्स कोड को उठाया, सोर्स कोड में 50 लाइनें, पूरे सोर्स कोड को उठाया, कंपाइल किया, कंपाइल करके मशीन कोड बनाया, मशीन कोड बनाकर इसे रन कर दिया, यहां पर बात खत्म, राइट। और मशीन कोड भी यहां पर अवेलेबल है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि एक लाइन उठाता है, मशीन कोड बनाता है, मशीन कोड बना के उसे रन करता है और रन करके मशीन कोड को डिलीट कर देता है। समझ में आ रही मेरी बात यहां पर? तो इसको, ये जो प्रोसेस होता है इसको कहते हैं इंटरप्रेटेड प्रोसेस। समझ में आ रही? और इसीलिए लोग मार्केट में बोलते हैं पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, राइट। लेकिन पाइथन की एक और खास बात मैं आपको बताता हूं, पाइथन की जो टीम है ना वो कहती है कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन मैं अपने प्रोग्रामर को नहीं दिखाना चाहती, ये वाला पोर्शन। और ये वाला पोर्शन क्या कर रहा है, ये कंपाइल कर रहा है, ये पोर्शन पाइथन में कंपाइलिंग का हो रहा है। तो पाइथन की जो टीम है वो अपने प्रोग्रामर से ये वाला पोर्शन दिखाती ही नहीं है, वो सिर्फ ये वाला पोर्शन शो करती है। तो ये वाला पोर्शन जब शो करती है तो 99% लोग पाइथन को कहते हैं पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग भी कहते हैं पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। लेकिन आज मैं उन बंदों को बताना चाहता हूं, दोस्तों पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज तो है लेकिन पाइथन साथ में कंपाइलर भी है, कंपाइलर भी करता है। 99% लोगों को यह बात नहीं पता कि पाइथन कंपाइल करता है। जरा पूछिए उनसे तो यह कहते हैं कि पाइथन कंपाइल करता ही नहीं है, पाइथन इंटरप्रेटेड में चल रहा है। मैंने ऐसे ऐसे बंदों से बात की हैं जिन्हें अभी पूरा पाइथन में वो काम भी कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता कि पाइथन कंपाइल भी करता है। वो ये कहते हैं कि सर पाइथन सिर्फ इंटरप्रेट करता है। अरे दोस्तों, पाइथन कहती है कि मैं अपने कस्टमर से ये पार्ट छुपा के रखती हूं, लेकिन मेरा कस्टमर चाहे तो कंपाइलर के प्रोसेस को देख भी सकता है। सोर्स कोड मेरा कंपाइलर सोर्स कोड उठा के जब कंपाइल करता है, बाइट कोड बनाता है, उस बाइट कोड को भी देख सकता है, उस कंपाइलर के प्रोसेस को भी देख सकता है। हाँ, मैं अपने कस्टमर को सिंटेक्स वाइज इजी रखने के लिए, ये तामझाम ना दिखाने के लिए, मैं फेमस ही इस बात पे हूं कि पाइथन इज अ इजी लैंग्वेज है, इसलिए मैं अपने कस्टमर को ये चीज नहीं दिखाती। कस्टमर को सिर्फ ये वाला चीज दिखता है तो कस्टमर को अंदर की बात पता ही नहीं होती। कई प्रोग्रामर कहते हैं कि पाइथन कंपाइल करता ही नहीं, पाइथन इंटरप्रेट करता है, लेकिन आज मैं आपको बता दूं पाइथन कंपाइल पहले करता है, बाद में इंटरप्रेट का प्रोसेस स्टार्ट होता है।
और ये चीज मैं ऐसे नहीं बोल रहा, ये चीजें मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आपको, कंपाइलर के प्रोसेस, पाइथन में कंपाइल का प्रोसेस मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, कंपाइल करके बाइट कोड बनाएगा, उस बाइट कोड को मैं आपको दिखाऊंगा, तब जाके आपको प्रूफ होगा। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब हम पहुंचेंगे प्रैक्टिकल में, सारा पहले मैं आपको यही करके दिखाऊंगा, क्योंकि प्रूफ तो तभी होगा ना, राइट? क्योंकि बहुत सारे बंदे इस लेक्चर को तैयार होने के बाद, बहुत सारे बंदे पढ़ेंगे इस लेक्चर को, और जो पाइथन में काम कर रहे हैं और जो जिन्हें अभी तक पता नहीं है कि पाइथन कंपाइल करता है, तो मेरी बात को काटेंगे, तो मैं प्रूफ करूंगा इस प्रैक्टिकल को, तभी जाके उन्हें विश्वास होगा, राइट? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ लग गया होगा, राइट? अब कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई यहां पे इंटरप्रेटेड कहां है, तो इंटरप्रेटेड जो होता है ना पीवीएम के अंदर होता है, जैसे पीवीएम इंस्टॉल किया तो पीवीएम के अंदर ही इंटरप्रेट होगा, यहां पर इंटरप्रेटेड होगा, समझ में आ गया? तो इंटरप्रेटर जो होता है वो पीवीएम का ही सब पार्ट है एक प्रकार से। तो उम्मीद करता हूं सारी चीज आपको समझ लग गई होगी, राइट? एक चीज और बता दूं, तो यहां पर अगर कई बंदे इंटरव्यू में ऐसे पूछ लेते हैं कि अगर आपके पास 100 ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर मार्केट में 100 ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो क्या पाइथन की टीम ने, पाइथन की फाउंडेशन टीम ने 100 पीवीएम बनाए होंगे जो 100 ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करे? एक पीवीएम विंडोज को सपोर्ट कर रहा है, एक पीवीएम लिनक्स को, एक मैक को, तो बिल्कुल डेफिनेटली 100 ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में है तो पाइथन की टीम में 100 पीवीएम बनाएंगे, राइट? जावा भी ऐसे ही काम करती है, कंपाइलर विद इंटरप्रेटर, पता है आपको जावा में जेवीएम होता है, लेकिन सी ऐसा काम नहीं करती। तो आजकल जितने भी लेटेस्ट लैंग्वेज मार्केट में आते हैं सब इसी कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, बाइट कोड में, जो यहां पे मैंने आपको बताया, राइट? उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ लग गई होगी। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, अब बात करते हैं आगे, पाइथन इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। क्या मतलब है पाइथन इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज, समझाता हूं। देखो एक नया टैब ओपन करते हैं। जब बड़ी बड़ी कंपनी में कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आते हैं ना, तो वो प्रोजेक्ट्स पे ना कोई, वो प्रोजेक्ट्स किसी एक लैंग्वेज में नहीं बनता, बहुत सारी लैंग्वेज पे वो प्रोजेक्ट्स बनता है। जैसे कंपनी में एक नया प्रोजेक्ट्स आया तो उसके कुछ पार्ट मान लीजिए पाइथन में लिखे गए, पाइथन में उसकी कोडिंग हुई कुछ पार्ट की, राइट? कुछ पार्ट की कोडिंग जैसे जावा में हो गई, कुछ पार्ट की कोडिंग मान लीजिए सी में हो गई, कुछ पार्ट की कोडिंग मान लीजिए सी प्लस प्लस में हो गई। तो अब एक प्रोजेक्ट में चार लैंग्वेज हो गई, राइट? तो अब मेरे को यहां पर पाइथन को कोड को कॉल कराना पड़ेगा जावा पे, पाइथन के कोड को मुझे सी पे, राइट? तो पाइथन एज अ प्राइमरी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं, और ये तीनों एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। तो यहां पर क्या हुआ, देखो पाइथन से मुझे जावा पे भी कॉल, जावा के कोड को भी कॉल करना पड़ा, पाइथन से सी को भी, और पाइथन से सी प्लस प्लस को। तो ये इस प्रकार से एक्सटेंड हो गया पूरा, तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। तो पाइथन के अंदर ये फीचर है कि आप पाइथन से किसी अदर लैंग्वेज में भी कॉल करा सकते हैं, और अभी करंट में देखा जाए तो 28-29 ऐसे लैंग्वेज है जिसको कॉल कर सकते हैं पाइथन से, तो इसलिए पाइथन को कहा जाता है एक्सटेंसिबल लैंग्वेज। तो अगर आप यूट्यूब में देखें तो यूट्यूब जो बना है उसमें उसके कुछ पार्ट पाइथन में लिखे गए, कुछ सी में, कुछ जावा में, तो कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए पाइथन इज एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है, राइट? ऐसा कैसे होता है, इसके लिए पाइथन ने, पाइथन की जो टीम है वो पाइथन को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेशन की गई है, समझ सकते हैं यहां पर, पाइथन इंप्लीमेंटेशन के बारे में। तो पाइथन को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में इंप्लीमेंटेशन की गई है, पाइथन को सी लैंग्वेज में भी इंप्लीमेंटेशन की गई है, पाइथन की इंप्लीमेंटेशन जावा में भी की गई है, पाइथन की इंप्लीमेंटेशन आप देखा जाए यहां पर तो सी प्लस प्लस में भी की गई है, पाइथन की इंप्लीमेंटेशन अगर हम बात करें तो यहां पर .NET में भी की गई है, राइट? तो पाइथन की इंप्लीमेंटेशन डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में की गई है।
तो एक बार पहले ये समझो कि लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन होती कैसे, पहले तो एक बार ये समझ में आए तब आप लोग, क्योंकि आपके दिमाग में डाउट होगा कि सर आप कैसे बात करें, पाइथन को सी में भी लिखी गई, जावा में लिखी गई, क्यों लिखी गई सी में, जब पाइथन को सी में ही लिखी गई तो हम सी ही यूज करते हैं, कई लोग ऐसा बोलते हैं। समझाता हूँ, देखो क्या होता है। जैसे सी लैंग्वेज जब बनी मार्केट में तो सी लैंग्वेज के सिंटेक्स बहुत लेंदी है, सी लैंग्वेज के सिंटेक्स बहुत लेंदी है, तो पाइथन को डेवलप करने वाला जो डेवलपर है, जो बंदा है ग्यूडो वैन रॉसम, उसको पसंद नहीं आया सी, तो उसने क्या किया, सी लैंग्वेज को उठाया और कोडिंग करना स्टार्ट कर दिया। ये फटाफट उसने कोडिंग की, कोडिंग करके उसने क्या किया, इस कोड को डब्बे में पैक किया और एक फंक्शन से कॉल करा दिया। ये लो भाई प्रिंट नाम का फंक्शन, ये प्रिंट नाम का फंक्शन से कॉल करा दिया। तो ऐसे ही उस बंदे ने बहुत सारी कोडिंग की और बहुत सारे फंक्शन के साथ उसने कॉल करा दिया, और उन सारे फंक्शन को ले जाके रख दिया कहाँ, अपनी लाइब्रेरी बनाया, उस लाइब्रेरी में रख दिया और ऐसे कंपाइलर बना लिया और लोगों को कहा कि यार आप ना, आपको कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, अच्छा अब आपको ना सी में इतनी सारी कोडिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने कोडिंग कर करके फंक्शन बना दिया, आप ये फंक्शन उठाइए, मेरे सिंटेक्स को फॉलो करिए, मेरे मैथमेटिकल को फॉलो करिए और ये लीजिए, मैंने एक आपको नई लैंग्वेज बना के दे दी। समझ में आई, ऐसी तो लैंग्वेज बनती है भाई। एक बात बताओ, आपको हिंदी आती है, मुझे हिंदी आती है, आप और मैं दोनों साइबर क्राइम में ज्वाइन कर लिए, मान लीजिए सीबीआई में ज्वाइन कर लिए, अब आप सीबीआई में जब ज्वाइन कर लेते हो और जब आप ड्यूटी पीरियड में होते हो तो आपको पता है सीबीआई की लैंग्वेज अलग होती है, मतलब वो आप लोग ना कोड वर्ड में बात करते हैं, वो कोड वर्ड भी हिंदी ही रहेगा लेकिन वो अलग तरीके से, जैसे वो पानी को पानी नहीं बोलेंगे, पानी को बोलेंगे दूध, और आप उनका कोड वर्ड अलग हो गया। तो उन्होंने अपनी एक लैंग्वेज तैयार की, कहाँ से तैयार की, बेस क्या है, हिंदी। तो ऐसे ही पाइथन के जो डेवलपर है उन्होंने सी लैंग्वेज को ही मॉडिफाइड कर करके, सी लैंग्वेज में ही कोडिंग कर करके और फंक्शन बना बना के, वो फंक्शन को लाइब्रेरी में रख के अपना कंपाइलर बना के हमें दे दिया, बोला कुछ भी काम करना है, सॉफ्टवेयर बनाना है, ये बहुत सारे फंक्शन मैंने बना रखे हैं, ये उठाइए और अपना काम मेरे मैथमेटिकल, मेरे सिंटेक्स के तौर पर फॉलो करके ले जाइए। तो ये एक लैंग्वेज, ऐसी तो लैंग्वेज बनती है। तो ऐसे ही पाइथन को सी में भी डेवलप किया गया, पाइथन को जावा में भी डेवलप किया गया। ऐसा क्यों किया गया, ऐसा किया गया तभी तो पाइथन एक्सटेंशिबल का फीचर प्रोवाइड करती है। समझ आ रही मेरी बात यहां पे? तो पाइथन को देखा जाए, पाइथन के इंप्लीमेंटेशन तो 26 27 28 इंप्लीमेंटेशन है पाइथन के। जैसे एक आपको है सी पाइथन, जाइथन, राइट, ऐसे आयरन पाइथन, पाइपाई, बहुत सारे मिल जाएंगे। समझ में आ गई? तो ये सी पाइथन, जाइथन, ऐसे आयरन पाइथन, पाइपाई, एंड नंबर ऑफ है 27 28, अब गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो ये सी पाइथन, नाम से ही पता लगता है सी में लिखी गई, जाइथन देखा जाए तो जावा में लिखी गई, राइट। तो उम्मीद करते हैं सारे टर्म्स आपको समझ लग गए होंगे। चलो अब और आगे चलते हैं थोड़ा, अब हम लोग बात करते हैं पाइथन हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री का मतलब पाइथन को बनाया किसने और पाइथन के कितने वर्जन हैं। तो पाइथन को बनाने वाले बंदे का नाम है ग्यूडो वैन रॉसम, राइट। और इसने पाइथन को डेवलप किया, डेवलप स्टार्ट किया था डेवलप करना 1989 में, और 2 साल लग गए थे 1991 में इसने पाइथन को डेवलप कर दिया, राइट। और डेवलप करने के बाद इसने एक संस्था तैयार किया, एक छोटा सा ग्रुप तैयार किया, उस ग्रुप का नाम है PSF, स्टैंड फॉर पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। और ये संस्था, और ग्यूडो वैन रॉसम भी इसी संस्था में काम कर रहे हैं अभी, और ये पाइथन के पूरे वर्जन को रिलीज करते हैं, राइट। और इतने सारे इंप्लीमेंटेशन में PSF जो मैनेज करती है, PSF जो वर्जन लॉन्च करती है वो सी पाइथन, मतलब PSF सी पाइथन को मैनेज करती, बाकी अदर इंप्लीमेंटेशन को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि ओपन सोर्स है, लोगों ने उठा उठा के मैनेज किया। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है कि इतने सारे इंप्लीमेंटेशन में PSF किसको मैनेज कर रही है, PSF सी पाइथन को मैनेज कर रही है। तो जो भी PSF नए वर्जन लाती है, जो भी फीचर्स चेंज करती हो,
सी पाइथन में करती है, बाकी जितने भी इंप्लीमेंटेशन है उनको फॉलो करते रहते हैं। समझ आ गई मेरी बात यहां पे? चलो तो अगर हम देखें कितने सारे इंप्लीमेंटेशन, कितने वर्जन हैं पाइथन के, सी पाइथन के, तो आप गूगल कर सकते हैं यहां पर। पाइथन वर्जन हिस्ट्री, तो देख सकते हैं इतने सारे पाइथन के वर्जन हैं, देख सकते हैं। और लेटेस्ट आप देखिए, ये देखिए 3.9.5। अब यहां पर एक मजे की बात आपको बताता हूं, देखिए पाइथन 2.0 कब आया, 16 अक्टूबर 2000 को आया, ठीक है। उसके बाद पाइथन का 3.0 का सीरीज देखो कब आया, 2008 में। तो आप मानते हैं कि अगर पाइथन 2.0 के बाद पाइथन 3.0 आया, तो अब पाइथन 3.0 के बाद जो फर्दर जो भी आएंगे नए वर्जन, वो अब 3 के ऊपर ही आएंगे। 2 को तो बंद कर दिया ना, यही समझोगे ना कि 2 के सीरीज को बंद कर दिया, तभी तो 3 लाया। लेकिन पाइथन ने, पाइथन की टीम ने कुछ अलग किया। क्या अलग किया पता है? 3.0 के सीरीज को लाने के बाद उन्होंने 2 वाले सीरीज को भी कंटिन्यू रखा। और कब तक रखा पता है? 2020 तक रखा। देखो यहां पर 2.2 वाले सीरीज को देखो यहां पर 2020 तक कंटिन्यू रखा। मतलब पाइथन की फाउंडेशन टीम ने 2 को लॉन्च किया, 2 को 2000 में लॉन्च किया, उसके बाद उन्होंने 2000 देखा जाए तो 8 में 3 लाया। 3 आने का मतलब यह कि अब 2008 के बाद जो भी नए वर्जन आएंगे सब 3 के आगे ही आएंगे। 2 को तो बंद ही कर दिया, यही समझोगे ना। लेकिन 2 को भी उन्होंने साथ में चलाया, क्यों पता है? क्योंकि जब पाइथन की टीम ने 3 को लाया ना, तो उन्होंने 2 को बैकवर्ड कंपेटेबल देना बंद कर दिया, बैकएंड सपोर्ट देना बंद कर दिया। बोला कि भाई 2 को अब हम लोग कोई सपोर्ट नहीं देंगे, ऐसा बोला। और 2 पे जो कोड लिखा गया, पाइथन के 2 के सीरीज में जो कोड लिखा गया ना, वो पाइथन 3 में चलेगा ही नहीं, ऐसा भी बोला उसने। कि अगर मान लीजिए मतलब ये है कि ऐसा समझिए, देखिए कि ये पाइथन 2 है, ठीक है। ये पाइथन 2 में मैंने एक कोडिंग किया, ये मैंने पाइथन 2 में कोडिंग किया, ठीक है, 2.0। अब मार्केट में क्या आ गया, 3 आ गया, पाइथन 3 आ गया। तो डेफिनेटली आपको पता है कि भाई हर कंपनी पाइथन 3 इंस्टॉल करेगी। और मान लीजिए अगर मैंने अपने सर्वर पे पाइथन 3 इंस्टॉल किया, लेकिन मेरी कोडिंग पाइथन 2 में लिखी गई है, मेरी कोडिंग क्या है, पाइथन 2 में लिखी गई है, तो इस कोडिंग को उठा के लाके अगर मैं इस पे चलाऊंगा ना, तो ये पाइथन 3 में चलेगा ही नहीं, ये बोलेगा भाई पाइथन 2 ही इंस्टॉल कर, बैकवर्ड सपोर्ट ही नहीं कर रहा। और पाइथन बनाने वाली टीम भी बोल दी यार मैं पाइथन 2.0 को सपोर्ट देना बंद कर रही हूं लोग। तो जो कंपनी पाइथन 2 में अपने सॉफ्टवेयर बना के रखी थी, उनकी तो भाई प्रॉब्लम्स आ गई। उनको तो क्या करना पड़ेगा, ये पूरी कोड को ही पाइथन 3 में चेंज करिए, पाइथन 3 के सिंटेक्स में चेंज करिए, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो उन सारी कंपनी ने पीएसएफ से रिक्वेस्ट किया कि आप पाइथन 2.0 पे सपोर्ट और अभी बंद मत करो, कंटिन्यू रखो। तो पाइथन की पीएसएफ टीम ने बोला कि ऐसा करते हैं कि पाइथन 2.0 को भी हम लोग इस सीरीज को भी कंटिन्यू रखते हैं। और कब तक रखा, ऐसे इन्होंने 12 साल तक कंटिन्यू रखा। तो राइट, तो देखा जाए तो पाइथन 2 को इन्होंने देखा जाए 20 अप्रैल 2020 को बंद किया, 12 साल का इन्होंने टाइम दिया। 2008-07 में इन्होंने ऐसा किया, बोला था, और 20 में 12 साल का टाइम दिया कि ठीक है भाई आप अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लो, तब तक मैं आपको। तो इन्होंने देखा जाए पाइथन 2.2 वाले सीरीज को भी इन्होंने कंटिन्यू करते गए, देखो 2016। हालांकि ऐसा होता नहीं है, 3 आने के बाद फिर नीचे वाले को थोड़ी लाया जाता है, आगे चला जाता है, लेकिन पीएसएफ ने ऐसा किया लोगों को ध्यान में रखते हुए। समझ आ गई मेरी बात यहां पे? चलो तो ये थी दोस्तों पाइथन की हिस्ट्री और पाइथन का इंट्रोडक्शन, उम्मीद करता हूं आपको समझ लग गया होगा। चलो अब अगर हम देखें तो पाइथन इतना फेमस है कि हर ऑर्गेनाइजेशन पाइथन को यूज कर रही है। और आने वाला जो टाइम है 2025 का, वो देखना, आने वाला टाइम 2025 का डेटा साइंस का है, मशीन लर्निंग का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है, डेटा एनालिसिस का है,
और इन सब में काम करने के लिए आपको पाइथन आना पड़े आना चाहिए। तो आप अगर अभी से पाइथन की तैयारी करेंगे तब जाके आप अपने 2025-30 वाले ईयर को सिक्योर कर पाएंगे। अगर आप आईटी इंडस्ट्री में जमे रहना चाहते हैं तो दोस्तों अभी से पाइथन स्टार्ट कर दें, तभी जाके आप आगे मार्केट में अच्छे से टिक पाएंगे, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, राइट। अब यहां पर पता बहुत बड़ी समस्या आती बंदों को ना थोड़ा सा करियर पार्ट डिसाइड करने में। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको पाइथन आती भी है लेकिन फिर भी वो अपने करियर को आगे नहीं ग्रोथ कर पा रहे। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको एडमिन आता है, लिनक्स आता है, डॉकर कुबरनेटिस पूरा डेवऑप्स आता है लेकिन फिर भी वो अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों भाई? बहुत सारे मार्केट में ऐसे बंदे आपको मिलेंगे जिनको पाइथन क्या सी भी आता है, जावा भी आता है, पाइथन भी आता है, सी प्लस प्लस भी आता है, .NET भी आता है लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं कर पाते। बहुत सारे मार्केट में ऐसे बंदे हैं जो पूरा डेवऑप्स जाते हैं लेकिन फिर भी ग्रोथ नहीं कर पा रहे। कहां पे समस्या आती है? चलो जो बंदे अच्छे से डेवलपमेंट जानते हैं, जो बंदे अच्छे से कोडिंग जानते हैं, जो सी को अच्छे से जानते हैं, राइट, जावा को अच्छे से जानते हैं, पाइथन को अच्छे से जानते हैं, वो चलो कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। वो गूगल जैसी कंपनी में ज्वाइन कर लिए, करोड़ों का पैकेज उनको मिल जाता है। फेसबुक में ज्वाइन कर लिया, करोड़ों का पैकेज उनको मिल जाता है। लेकिन जो डेवऑप्स इंजीनियर है वो देखा जाए तो 40-50 लाख के ही पैकेज में टिका रहता है, पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। अगर डेवऑप्स इंजीनियर की बात करें जाना चाहता है 1 करोड़ के पैकेज में, तो कौन कंपनी देगी भाई डेवऑप्स इंजीनियर को 1 करोड़ का पैकेज? तो 1 करोड़ का पैकेज डेवलपर तो चलो ठीक है कोर लेवल पे डेवलपमेंट कर रहा है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम कर रहा है, तो करोड़ रुपए का पैकेज उसे गूगल फूगल दे देती है, गूगल दे देगी, याहू दे देगी, फेसबुक दे देगी। लेकिन डेवऑप्स इंजीनियर चाहता है कि मैं भी करोड़ के पैकेज में जाऊं, तो क्या उसे SCL देगी करोड़ का पैकेज? क्या उसे TCS देगी इंडिया में? क्या उसे विप्रो देगी? कोई डेवलपमेंट थोड़ी कर रहा है, कोई प्रोडक्ट थोड़ी बना रहा है, सर्विसेज दे रहा है यार। तो सर्विसेज बेस्ड बंदों को कितना मिलता है? ज्यादा से ज्यादा 40-50, अब बाहर चले गए तो 80 लाख हो गया, 90 लाख हो गए, 1.5 करोड़ हो गया चलो मान लो। लेकिन जब मोटा पैसा अगर आपको चाहिए आईटी इंडस्ट्री में तो आपको ये क्रोनोलॉजी समझनी पड़ेगी, डेवऑप्स विथ लैंग्वेज कैसे कमाया जाए पैसा, अभी समझाता हूं आपको 10 मिनट में। देखो उसके लिए आपको गूगल जैसी कंपनी में जाना होगा इंटरव्यू देने, और गूगल जैसी कंपनी में अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो सिर्फ डेवऑप्स की नॉलेज से काम नहीं बनेगा, आपको पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गूगल जैसी कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू देने, डेवऑप्स इंजीनियर एज अ हो आप और गूगल जैसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें नहीं पूछा जाता कि बताइए नोड क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, कैसे। आपको सिनेरियो दिया जाता है, आपको कहा जाता है कि एक आप क्यों एक प्रोजेक्ट आया आपके पास, एक वेब एप्लीकेशन आपको डिजाइन करवाना है, ऐसे बोला जाएगा, एक वेब एप्लीकेशन आपको डिजाइन करना है और उस वेब एप्लीकेशन की पूरी डिजाइनिंग, पूरी कोडिंग, पूरी प्रोग्रामिंग से लेके उसकी इंप्लीमेंटेशन, उसका कस्टमर लोड, पूरा का पूरा डेटाबेस मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट, उसका बैकअप मैनेजमेंट पूरा आपको एक्सप्लेन करिए कैसे करेंगे, पूरा वेब एप्लीकेशन की डिजाइनिंग के साथ पूरा आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करना पड़ता है। वो आपको मार्कर दे देंगे, आपको बोर्ड आपके सामने रहेगा, आपको 45 मिनट 1 घंटा आपको पूरा समझाना पड़ेगा, जैसे ये मैं आपको समझा रहा हूं, तब जाकर आपको करोड़ों का पैकेज मिलेगा। कैसे समझाता हूं देखो, अगर हम यहां पर देखें, मान लो अगर मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, आपको बोला गया कि SBI बैंक जो है ना, इसकी पूरी इनिशियल स्टेज से आपको डेवलपमेंट करना है, पूरा का पूरा वेब एप्लीकेशन सब कुछ करना है, तो कैसे करेंगे? आपने जैसे यहां पर लगा दिया वेब सर्वर, ठीक है। अब वेब सर्वर के लिए आप क्या करना पड़ता है? वेब सर्वर के लिए वेब डिजाइनिंग करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो वेब डिजाइनिंग के लिए क्या होता है भाई? वेब डिजाइनिंग जो होते हैं ज्यादातर किस में होते हैं? आपके HTML में, CSS, JavaScript, राइट, इसमें आप वेब डिजाइनिंग करेंगे और वेब डिजाइनिंग करके आप अपना वेब सर्वर रेडी करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर आप गूगल जैसी कंपनी में जाना चाहते हैं तो आपको HTML, CSS या JavaScript तीनों में कोई एक आनी चाहिए, तभी आप वेब डिजाइनिंग के बारे में नॉलेज रखेंगे। चलो आपने वेब डिजाइनिंग कर दी, अब बात आती है भाई एप्लीकेशन की भी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, एप्लीकेशन भी बनानी है। तो एप्लीकेशन बना दिया आपने, चलो एप्लीकेशन किस लैंग्वेज में बनेगी? अभी भी पूछा जाएगा आपसे, पूछा नहीं बनवाया भी जाएगा आपसे। तो चलो ठीक है, एप्लीकेशन बनाने के लिए आप
यूज कर लिया आपने, पाइथन यूज कर लो, चलो जावा यूज कर लो, कोर जावा, सी यूज कर लो, सी प्लस प्लस यूज कर लो, डॉट नेट यूज कर लो, एप्लीकेशन बना लिख लिया, एप्लीकेशन बनाया और आपने अपनी एप्लीकेशन इस सर्वर पे रन कर दिया। तो ये हो गया आपका वेब सर्वर, ये हो गया आपका एप्लीकेशन सर्वर। अब बोला गया डेटाबेस मैनेजमेंट भी आपको करना है, तो आप डेटाबेस मैनेजमेंट भी लो भाई, डेटाबेस की भी डिजाइनिंग करो। ये डेटाबेस रहा, अब डेटाबेस आप कौन सा यूज कर रहे हो, ओरेकल का, MySQL का, SQL का, जो भी आपको यूज करना है। यहां पे डेटाबेस की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट की। चलो मैंने ओरेकल का यूज कर लिया। अब डेटाबेस मैनेजमेंट भी आप देख रहे हो, एप्लीकेशन भी मैनेजमेंट भी आपको ही देखना है, वेब डिजाइनिंग भी आपको देखना है, पूरा आपको देखना है। उसके बाद कहा गया भाई डेटाबेस में जो डेटा आएगा उसको, उसके लिए स्टोरेज लगाना है, तो लोग स्टोरेज मैनेजमेंट की भी नॉलेज हो, स्टोरेज की भी नॉलेज हो आपको, सैन स्टोरेज रखना है, नैस रखना है, क्या रखना है भाई, आप पूरी की पूरी SBI की एप्लीकेशन पूरा इनिशियल स्टेज से आप डेवलप कर रहे हो, पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हो, ऐसा नहीं कि डेवलप करके बस छोड़ दो, पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करो, पूरा इंप्लीमेंटेशन करो, कस्टमर के लोड को देखो, सब कुछ देखना पड़ेगा भाई आपको, तभी तो आपको गूगल में मिलेगा ना 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ का पैकेज। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? ये पूरी अभी पूरी डिजाइनिंग कंप्लीट हुई मान लीजिए, तो कहा गया भाई इसको इंटरनेट में एक्सपोज करो, तो ये लो भाई यहाँ पे इंटरनेट में एक्सपोज किया गया, ये रहे आपके कस्टमर भाई साहब। ये कस्टमर है, ये मैं छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको किस तरीके से अपने आपको मजबूत करना है बड़ी कंपनी में जाने के लिए। सिर्फ डेवॉप्स की नॉलेज या सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज से काम नहीं चलने वाला, आप ध्यान रखना। तो ये कस्टमर आएगा, ये अपना वेब सर्वर पे आया, ये एप्लीकेशन, ये डेटाबेस, सारा डिजाइनिंग आपने की। अब बात ऐसी आती है भाई एप्लीकेशन सर्वर पे जो एप्लीकेशन आपने बना के इंस्टॉल किया उसको अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड करने के लिए ये भाई आपका कंप्यूटर, आप ही डेवलपर हो अभी के लिए, आप ही डेवलपर हो, ये अच्छा आता है तो आपकी आपकी टीम डेवलपमेंट कर रही होगी, तो ये डेवलपर हो आप, चलो तो आप तो अपने सिस्टम में कोडिंग फोडिंग कर लोगे। कोडिंग करने के बाद उसको कैसे यहाँ तक लेके जाया जाए, तो उसके लिए कंपनी बोलेगी भाई, कंपनी को आपको बताना पड़ेगा, कंपनी कुछ नहीं बोलने वाली, वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे मैं गिट यूज कर लूंगा, गिटहब यूज कर लूंगा, सोर्स कोड मैनेजमेंट गिटहब यूज कर लूंगा, गिटहब यूज करने के बाद मैंने यहाँ पे जेनकिंस यूज कर लिया, लो भाई कंपाइलिंग के लिए जेनकिंस यहाँ पे यूज कर लिया मैंने, जेनकिंस में मैंने कंपाइलेशन की प्रोसेस करवा ली, राइट। कंपाइलेशन प्रोसेस होने के बाद ये लो भाई यहां पे इंस्टॉल कर दिया, तो ये जो प्रोसेस हो गया ये आपका CI/CD हो गया, एक प्रकार से CI/CD हो गया, तो डेवऑप्स के पार्ट हो गए, समझ में आ गए। अब इसी तरीके से अगर बहुत सारे कस्टमर आ गए, बहुत सारे कस्टमर आए, तो पता लगा कि ये जो वेब सर्वर है ये आपको 50 लगाने पड़ जाएंगे, एप्लीकेशन सर्वर तो देखा जाए एप्लीकेशन सर्वर 50 लगाने पड़ गए, डेटाबेस आपको लगाने पड़ गए 50। तो जब इसने 50-50 हो गए, तो देखा गया भाई कंपाइल करने के बाद पहले एक में इंस्टॉल कर रहे थे, अब 50 में करना है, तो आप बोला गया ले भाई यहाँ पे जो एंसिबल लगा ले, तो ले भाई आपके डेवॉप्स का एक और टूल जुड़ गया आपके पास। समझ आ रही मेरे यहाँ पे? तो ये पूरा डेवॉप्स का नीचे का पार्ट हो गया, ये पूरा डेवॉप्स का पार्ट हो गया। अब कंपनी बोला यार ये सारे सर्वर हैं इसमें थोड़ा सिक्योरिटी चाहिए, तो भाई स्विच राउटर लगाइए, स्विच राउटर के बाद यहाँ लीजिए फायरवॉल लगाइए, यहाँ फायरवॉल लगाइए, सब सिक्योरिटी के पार्ट हो गए, यहाँ फायरवॉल लगाइए, सारे सिक्योरिटी के पार्ट हो गए आपके, है ना। अब कंपनी बोलती है भाई ये जो एप्लीकेशन जिस किसने किसी OS में इंस्टॉल हुआ होगा, ये वेब सर्वर किसने किसी OS में इंस्टॉल हुआ, ये ओरेकल डेटाबेस किसने किसी OS में इंस्टॉल हुआ होगा, OS की मैनेजमेंट, OS की हार्डनिंग की नॉलेज होनी चाहिए, वो भी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद पता लगता है कि यार ये सारे सर्वर फिजिकल नहीं, क्लाउड पे रखवाइए, चलो ठीक है भाई क्लाउड पे रखे, AWS क्लाउड पे, गूगल क्लाउड पे, एजोर क्लाउड पे रख रहे, तो उसकी भी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलो भाई क्लाउड पे भी चले गए कॉस्ट बचाने के लिए। अब कंपनी बोलती है यार अभी भी कॉस्ट लग रहा है, एक काम करिए कंटेनर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट करिए, लो भाई फिर डॉकर आ जाएगा, फिर आपकी एप्लीकेशन डायरेक्ट OS में नहीं डॉकर में चलने लग जाएगी, जब डॉकर आ गया तो Kubernetes आ गया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने के लिए, वर्क स्टेशन टूल कंटेनर को मैनेज करना, तो लो भाई Kubernetes को इंप्लीमेंट करवाया आपने, फिर Kubernetes की अपनी नेटवर्किंग, उसकी अपनी सिक्योरिटी के पार्ट्स, यहां पर फायरवॉल, ये पूरी सिक्योरिटी तामझाम आ गई। फिर कंपनी कही बोलती है कि भाई स्टोरेज का बैकअप रखना, तो लो भाई बैकअप के डिजाइनिंग बताओ उनको,
फिर कंपनी बोलती है भाई इसकी पूरे डिजास्टर रिकवरी चाहिए, ये किस लोकेशन में आपने लगाया, वो लोकेशन क्रैश हो गया, तो लो भाई डीआर का प्लानिंग बताओ उनको, ग्लोबल बेस्ड लोड बैलेंसर उनको समझाओ, यहाँ लोड बैलेंसर लगाओ। फिर उसके बाद आपने देखा कि क्लाउड में तो ऑटो स्केलिंग आ गए, ऑटो स्केलिंग उनको समझाओ। समझ आ रही मेरी बात यहां पर? तो यहां पर देखो तो डेवॉप्स प्लस प्रोग्रामिंग, फिर कंपनी बोलती है कि भाई आप डेवॉप्स के प्रोसेस में स्क्रिप्टिंग का यूज करो, पाइथन स्क्रिप्टिंग का, लो भाई प्रोग्रामिंग आ गई। फिर कंपनी बोलती है छोटे मोटे सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन आप ही करना है, लो भाई प्रोग्रामिंग नॉलेज आ गई। तो अगर आप कंपनी में चाहते हैं मोटा पैसा लेना, तो दोस्तों ये आर्किटेक्चर पूरा आपको क्लियर होना चाहिए। सिर्फ आपको डेवॉप्स की नॉलेज से काम नहीं होगा, सिर्फ अगर जो बंदे डेवलपमेंट की नॉलेज जानते हैं और सोचते हैं मैं अच्छा पैकेज ले लूंगा, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है। फिर डेवलपमेंट की नॉलेज है तो अच्छी होनी चाहिए कि आप कंपनी में बैठे तो आपकी तूती बोल रही है, आपकी आप प्रोडक्ट आपके बेस में कंपनी प्रोडक्ट बेच रही है, तो ठीक है भाई। अगर हल्का फुल्का डेवलपमेंट का नॉलेज है फिर नहीं खेल पाओगे, फिर आपको साथ में डेवॉप्स भी होना चाहिए। तो अगर आपको इस किसकी नॉलेज है, पाइथन सॉफ्ट लैंग्वेज की नॉलेज है, पाइथन के थ्रू आप डेवलपमेंट कर रहे हो, साथ में आपको डेवॉप्स आता है, तो चांसेस है कहीं ना कहीं आप अच्छी पैकेज पर जा सकते हो। और जो बंदे डेवॉप्स की नॉलेज लेके रखें और पाइथन के साइड में उन कहीं ना कहीं कमजोर हैं, तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए। और अब देखो अभी 2025 के बाद ये डेवॉप्स विद पाइथन के साथ डेटा साइंस मशीन लर्निंग आ जाएगा, तो वो आपको और परेशान करेगा। तो अगर आप अभी से तैयारी नहीं करोगे तो बहुत बड़े मारे जाओगे। क्या कहावत है ना, यू हैव टू बी टेक अम्ब्रेला बिफोर रेन, बारिश के पहले आपको छाता लेनी पड़ेगी दोस्तों। जैसे आपको पता है ना 2012-13 में जो बंदे AWS को अच्छे से लर्न कर लिए थे ना, वो आज AWS में 20-25 लाख के पैकेज में काम कर रहे हैं। अब 2018-20 में आके AWS सीखे हो तो मार खा रहे हो। 2020 अगर आप देखा जाए, अभी अगर आप 2020-21 में DevOps को सीख लेते हो तो ठीक है, अब 2025 में पहुंच के आप DevOps सीख रहे होगे, जब तक मशीन लर्निंग आ चुका हो तो क्या मतलब। अभी आप ये जो 2021-22 चल रहा है इसमें पूरा DevOps खत्म करिए और पाइथन को सीख लीजिए, पाइथन सीख लीजिए, अपना पाइथन की स्क्रिप्टिंग सीख लीजिए, पाइथन के थ्रू आप DevOps में काम करने लग जाइए। 2025 तक में जब आपका डेटा साइंस मशीन लर्निंग आएगा, स्विच कर जाइए डेटा साइंस मशीन लर्निंग के साइड, पाइथन तो आता ही ना, क्योंकि सारी चीजें पाइथन बेस में है। ऐसा नहीं हो सकता कि सीधे मशीन लर्निंग सीख लो, आप सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि बहुत से काम पाइथन बेस में है, पाइथन सीखना पड़ेगा। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? तो चलो, तो अब बात करते हैं कि मैं यहाँ पे पाइथन को किस लेवल पे डिलीवर करूंगा आपके साथ। तो दोस्तों पाइथन को सबसे पहले मैं कोर लेवल पे डिलीवर करूंगा, पूरा बेसिक, जैसे मैंने अभी आपको बताया पूरा डेवलपमेंट में आपको ऐसा फील होगा कि यार मैं डेवलपर बन चुका हूं, इस लेवल में मैं पाइथन को स्टार्ट करूंगा। उसके बाद जब हम लोग कोर लेवल के पाइथन को कवर कर लेंगे, तो फिर मैं पाइथन को थोड़ा सा मोड़ के डेवॉप्स के साइड लेके जाऊंगा, मतलब पाइथन को डेवॉप्स में कैसे यूज करते हैं वो बताऊंगा। किसी कंपनी में डेवॉप्स में काम चल रहा है, वो पाइथन यूज कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं वो बताऊंगा, AWS के साथ कैसे करते हैं वो बताऊंगा। फिर हम लोग डेवॉप्स पाइथन को डेवॉप्स के साथ कैसे यूटिलाइज करते हैं सीखने के बाद, फिर हम लोग अपने पाइथन के एडवांस के साइड चले जाएंगे डिजांगो। फिर हम लोग डिजांगो में देखेंगे कैसे पाइथन के एडवांस में वेब एप्लीकेशन वगैरह कैसे बनाते हैं, ये हम लोग सीख लेंगे 22-23 तक, 24 तक सीख लेंगे सन 2024 तक। फिर जब 25 आएगा तो हम लोग अपने ट्रैक पे आ जाएंगे जो हमारा फ्यूचर है, मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल डेटा एनालिसिस, इस साइड चलेंगे। और 2035 तक यही चलने वाला है, और ये गूगल कंपनी का बोला गया है, गूगल कंपनी ने बोला है कि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो आने वाले इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं 15-20 साल रहेगी। तो सोच लें पाइथन की इंपॉर्टेंसी। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ लग गई होंगी। इसी के साथ साथ इस वीडियो को मैं करता हूं यहीं पे स्टॉप, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे पाइथन के प्रैक्टिकल के साथ। तो उम्मीद करता हूं सारा सिंटेक्स आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी पाइथन के प्रैक्टिकल के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।